नमस्कार, मैं सुगंधा श्रोत्रिय आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर सन 1992 में ब्राजील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। वर्तमान में कई प्रजाति के जीव जंतु वनस्पति विलुप्त हो रहे हैं। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। आज के दिन शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था, जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने साइबेरिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। यह महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीन महाद्वीपों, समुद्र और आकाश में लड़ा गया। प्रथम विश्व युद्ध लगभग 12 माह तक चला और लगभग आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई। युद्ध समाप्त होते होते चार बड़े साम्राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा। जर्मनी के हार के साथ 1919 में युद्ध समाप्त हो गया। आज के दिन देश के प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को देश के प्रधानमंत्री बने थे और वह इस पद पर 14 जनवरी 1980 तक रहे। उन्होंने संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश के मर्यादा में जिया। वह सबसे पहले 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार लागू करने का श्रेय उन्हें जाता है। चौधरी चरण सिंह ने कई किताबें लिखी जिनमें जमींदारी उन्मूलन, भारत की गरीबी और उसका समाधान, किसानों की भू संपत्ति या किसानों के लिए भूमि आदि प्रमुख हैं। आज के दिन मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। आज के दिन 1925 में हेपेटाइटिस का टीका खोजने वाले बारूक ब्लूमर का जन्म हुआ था। उन्हें इस खोज के लिए 1976 में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हेपेटाइटिस दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में इस बीमारी की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है। हेपेटाइटिस से हर साल करीब 14 लाख लोगों की मृत्यु होती है। हेपेटाइटिस बी लीवर को प्रभावित करने वाला गंभीर संक्रमण है, जिसे डायरिया, भूख कम होना, उल्टियां होना, थकान, तेज बुखार और पीलिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष विज्ञानी गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी के द्वारा 28 जुलाई दिन बुधवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है बुद्धि विवेक। मेष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52% है। संतान से संबंधित शुभ समाचारों की प्राप्ति संभव है। कार्यों के सरलता से पूर्ण होने के योग है। अनुकूलताएं बने रहने के योग है। शुभ रंग नारंगी व धानी तथा निषेध रंग हरा व काला है। वृष, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 77% है। घर में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिलेंगे। शुभ समय व्यतीत होने के योग हैं। शुभ रंग सफेद व हरा तथा निषेध रंग लाल व पीला है। मिथुन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 70% है। प्रेम जीवन सुकून भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थितियां आपके पक्ष में होने के योग है। शुभ रंग हरा व काही तथा निषेध रंग पीला व बसंती है। कर्क, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 39% है। पदोन्नति अथवा अच्छी नौकरी के अवसर आ सकते हैं। काम का बोझ अधिक है। मानसिक परेशानियां उत्पन्न होने के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा व निषेध रंग सफेद है। सिंह, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 59% है। किसी छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। अपनी सूझबूझ से कार्यों को आगे बढ़ाएं। कार्य क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व हरा व निषेध रंग काला व नीला है। कन्या, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 70% है। अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। करियर में आपकी स्थिति सामान्य से कहीं बेहतर रहने वाली है। निजी जीवन सुखी रहेगा। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हरा व काही तथा निषेध रंग पीला व बसंती है। तुला,
आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 76% है। मन दुविधा में रहने के कारण निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी। जोखिम पूर्ण कार्यों से बचें, अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग सफेद व निषेध रंग पीला है। वृश्चिक, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 57% है। रोजगार में वृद्धि होगी, विवादों से बचें। निवेश यात्रा व नौकरी अनुकूल रहेंगे। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय उनके समान सम्मान का ध्यान रखें। शुभ रंग नारंगी व निषेध रंग सिंदूरी है। धनु, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 51% है। आपको अपने मन का करने का मौका मिलने वाला है। सामाजिक स्तर पर सक्रिय रहने का प्रयास रहेगा। घरेलू समस्याओं से घिरे रहने के योग है। शुभ रंग वसंती व निषेध रंग काला है। मकर, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 74% है। बौद्धिक और सृजनात्मक कार्यों में आप उत्तम प्रदर्शन करेंगे। व्यवसायियों को व्यापार विस्तार के अवसर आएंगे। शुभ रंग नीला व काला तथा निषेध रंग पीला व लाल है। कुंभ, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 75% है। फिर से किसी पूजा पाठ पर खर्च हो सकता है। विलासी जीवन का खर्च और बढ़ेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। अनुकूलता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग नीला व काला तथा निषेध रंग पीला व बसंती है। मीन, आपके बुद्धि विवेक के लिए भाग्य 52% है। नए कपड़ों की खरीदारी करेंगे। माता पिता से संबंधित चिंता रह सकती है। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बने रहने के योग है। शुभ रंग बसंती व निषेध रंग धानी है। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 12:22 से 2:06 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IMT मीडिया।